ओम शांति। एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति मर रहा था। वो भिखारी था। जीवन भर उसने भीख मांगी थी। उस देश की जैसी प्रथा थी, मरते समय चर्च का जो पादरी है वो आया करता है और मरने वाले के मुख से वो प्रार्थना के शब्द उच्चारण कराता है। पादरी को बुलाया गया और चिकित्सकों ने कहा कि ये भिखारी अब मरने ही वाला है। मरणासन्न उस भिखारी के समीप वो चर्च के फादर जाते हैं और उस भिखारी से कहते हैं, अपने दोनों हाथ उठाओ और भगवान से प्रार्थना करो, माफ़ी मांगो। वो भिखारी एक हाथ उठाता है। वो पादरी कहते हैं, दोनों हाथ उठाओ। वो भिखारी कहता है, दूसरा मैं नहीं उठाऊंगा। और दूसरा हाथ उसने मुट्ठी बांध रखी है। पादरी फिर कहते हैं, अपने दोनों हाथ उठाओ। वो कहता है, नहीं उठाऊंगा। और इतना कहते कहते ही वो भिखारी मर जाता है। उसकी मुट्ठी बंधी है। वो पादरी मुट्ठी खोल के देखता है, उसमें गंदे पुराने सिक्के होते हैं। जो सिक्के उसने जीवन भर बटोरे, जिस सिक्कों की उसने जीवन भर भीख मांगी, मरते समय भी उसकी मुट्ठी बंद थी और वो छोड़ने को राजी नहीं था। उसके लिए वो सिक्के अनमोल थे। वो गंदे सिक्के थे, पुराने सिक्के थे। हमने अपनी मुट्ठी में क्या बांधा है? यदि उसकी जगह हम होते तो शायद हम भी एक ही हाथ उठाते और दूसरे हाथ की मुट्ठी में हमने कुछ जो संजो के रखा है, संभाल के रखा है इस जीवन में, वो होता। यदि हम आपसे कहे ये लो हीरे, तो उनकी कैसे संभाल करोगे? सबसे पहले तो उसे छिपा के रखेंगे, कोई ले ना जाए, किसी की दृष्टि न पड़ जाए, किसी को पता ना चल जाए। हमारे जीवन में भी हीरे हैं और वो हीरे हैं अनुभव। स्मृतियाँ,
स्मरण। और इन स्मरणों को बार बार जब तक हम याद नहीं करते, जो हमें याद रहता है वो शूद्र होता है। जो श्रेष्ठतम है, जो महानतम है, जिसकी हमने आज सुबह ही अशरीरी अवस्था में सबने अनुभव शायद की अनुभूति की, उस अनुभूति का स्मरण क्या करना है? सारे दिन में करना है। जो योग की अवस्था में अशरीरीपन का अनुभव हुआ, जो प्रभु प्रेम का अनुभव हुआ जीवन में कभी भी या आज सुबह ही, जो परमात्मा प्रेम में आंखों से आंसू आ गए थे, ये श्रेष्ठतम स्मृतियां है। असहाय थे और अचानक कहीं से मदद आ गई थी, ये श्रेष्ठतम स्मृतियां है, श्रेष्ठतम स्मरण है। और ये स्मरण, ये स्मृतियां हीरे हैं। जो आज सुबह अनुभूति हुई अशरीरी अवस्था की, सारे दिन भर दो रास्ते हैं, दो मार्ग हैं, इन स्मरण को, इन स्मृतियों को शाश्वत बनाने के। पहला, दिन भर कई बार बीच बीच में उन्हें याद करना, एक मिनट, आधा मिनट, कहाँ, कहीं पर भी, ऑफिस में है, बिजी है, वेट कर रहे हैं, ट्रैवल में है, ट्रेन में है, फ्लाइट में है, कार में है, लिख रहे, चल रहे, खा रहे, स्नान कर रहे, दिन भर अलग अलग समय में कम से कम 10-25 बार किसको याद करेंगे? उन स्मृतियों को, क्योंकि ये स्मरण अनमोल है। हमें ज़्यादा याद कौन सी बातें रहती है? जो निगेटिव है। ज़्यादा याद कौन सी बातें रहती है? जो नकारात्मक है, जो व्यर्थ है। 10 साल पहले यदि हमारा किसी ने महान अपमान किया, अगर आज भी उस बात को याद करो तो हम धीरे धीरे उसी मनोदशा में पहुंच जाएंगे जो उस दिन उस समय पहुंचे थे। यदि मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, आज भी उस क्रोध को याद करो तो अचानक शरीर पर भी वही संवेदनाएं जागेगी। यदि किसी ने धोखा दिया और जो भाव उस समय उत्पन्न हुए, उसी भाव को हम इस समय याद करें तो वही भाव दशा फिर से उत्पन्न होगी और हमारे मन में निरंतर अतीत की घटनाएं छाई रहती है, और उसमें भी अधिकतर जो छाई रहती है वो विधायक नहीं, नकारात्मक, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, समर्थ नहीं, व्यर्थ, उसी की स्मृतियां रहती है अधिकतर। क्योंकि पॉजिटिव स्मृतियां जो है, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जो है, उसे हम भूल जाते हैं। तो एक नई चीज जो अपनी दिनचर्या में लाना है वो क्या? अमृत वेले जो अनुभव हुआ, भले वो अनुभव सेकंड का था, उस अनुभव को याद करना। एक सेकंड, एक मिनट, आधा मिनट के लिए आंखें बंद करके उन स्मृतियों में लौट जाना, जब हम बहुत खुश थे। एक सेकंड में उस अवस्था में लौट जाना जब हम संपूर्ण स्वास्थ्य शरीर का अनुभव कर रहे थे। शरीर में कोई रोग नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई विकार नहीं, कोई व्याधि नहीं,
किसी भी तरह का कोई इम्बैलेंस नहीं था। उस हेल्थ की अवस्था को हम कितनी बार याद करते, हम याद करते क्या है, जब दर्द होता है तब याद करते हैं, जब पीड़ा होती है तो चिल्लाते हैं, पर क्या हमने कभी उस स्थिति को याद किया जब हम बहुत हेल्दी थे? नहीं। द फर्स्ट पाथ टू रिमेम्बर, सारे दिन भर, कब, कभी भी अचानक से याद कर लेना, एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए, भगवान से जब मिलन हुआ था तो क्या अनुभव होते थे, यहाँ से जब घर जाएंगे लौकिक में, वहाँ जाकर एक सेकंड के लिए बार बार याद करना, मधुबन में थे तो कैसा था, मधुबन में सेवा करते हुए स्वयं को वहाँ से देखना, यहाँ से जाने के बाद छोटी छोटी स्मृतियों को इकट्ठा करना है, और ये छोटी छोटी स्मृतियाँ बार बार जब स्मरण होगी, घनीभूत होगी, डेंस होगी, थिक होगी, और धीरे धीरे उनका स्वरूप बनते जाएंगे। अभी अगर हम अपनी दिनचर्या को देखें तो ज़्यादा याद क्या है, कुछ खास नहीं है, परंतु जो व्यर्थ है वही। तो विधि नंबर एक, सारे दिन भर बीच बीच में या मुरली की कोई पॉइंट याद आ गई उसे याद कर लेना, एक मिनट में जितनी बार वो याद आएगी, और कई बार याद करना, जब जब समय मिले तब याद करना, जब कोई बहुत अनावश्यक कार्य नहीं है और ऐसे ही बैठे हैं तब याद करना, या तो अनुभव को या किसी पॉइंट को। या फिर प्रकृति के सानिध्य में जो समय बिताया उस समय को याद करना, कभी मौन में गए होंगे इस जीवन में उस मौन को याद करना, कभी एकांत में थे इस जीवन में उस एकांत को याद करना, और उस एकांत में कैसी अनुभूतियां हुई थी। अब वो नहीं है, अब व्यस्त है, बातें कर रहे हैं, सबके बीच में है, पब्लिक सेक्टर में है, सेवाओं के क्षेत्र में है, उन सेवाओं की अति में, उस बिजी लाइफस्टाइल में अचानक से बीच बीच में और कई बार अनुभव। ये है स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, रात को सोते समय उसी अनुभूति को याद करना है, बनना नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करना है, केवल स्मरण में लाना है कि आज सुबह अशरीरी हो गया था, आज सुबह बहुत प्रेम का अनुभव हो रहा था, आज सुबह जब कुटिया में बैठे थे तो झरझर आंसू बह रहे थे, आज सुबह शांति स्तंभ पर परम आनंद का अनुभव हुआ। याद करो बहुत समय पहले ये शरीर एकदम स्वस्थ था, कोई रोग नहीं था। याद करो, याद करो जब बहुत खुश थे। बार 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 स्मरण क्या कर देगा, उस स्मृति को शक्तिशाली बनाएगा। ये दोहराव, ये रेपिटेशन, सो रहे हैं कुछ बातें याद करो, कुछ तो पॉजिटिव होगा, कुछ तो अच्छा हुआ ही होगा, और जितनी अच्छाई और जितनी सफाई भीतर आने लगती है, बाहर का जगत भी वैसे होने लगता है हमारे लिए। इतिहास में दो व्यक्तित्व हैं, उनके लिए कहा गया है, महावीर के लिए, जैन धर्म के स्थापक। जब महावीर चलते थे तो कांटे जो सीधे रहते थे झुक जाते थे, आड़े हो जाते थे, उल्टे हो जाते थे,
उन्हें नहीं चुभते थे। कांटों को क्या प्रयोजन, कौन चल रहा है, महावीर चल रहा है या चोर चल रहा है या क्या चल रहा है, हो सकता है कहानी झूठी है। मोहम्मद पैगंबर के लिए भी कहा जाता है जब वो अरब के रेगिस्तान में चलते थे, ऊपर से बादलों की बदली उन्हें छाव देती थी, बादल को क्या लेना देना कौन चल रहा है। परंतु इन दोनों कहानियों में एक प्रतीक है, एक प्रतीकात्मक ये दोनों कहानियां हैं, वो ये कि उनके भीतर से कोई कांटा नहीं रहा। और जब भीतर ही कांटा नहीं रहा तो इस कांटों के जंगल में रहते हुए भी सब कुछ फूल बन सकता है हमारे लिए। जब भीतर की तपिश ही खत्म हो गई तो बादल भी छाया देंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये संसार फिर हमें अपने ताप से प्रभावित नहीं करेगा। तो जो जो अध्यात्म में अनुभव हुए अब तक, जो जो ब्राह्मण जीवन में अनुभव हुए अब तक, जब से ज्ञान को पाया और तब से अब तक, कुछ तो होगा, कुछ ऐसे पल जब पहली बार किसी का कोर्स किया और उस आत्मा के हृदय से ऐसी दुआएं निकली, जब पहली बार किसी की मदद की और उस आत्मा के हृदय से दुआएं निकली, कैसी खुशी की अनुभूति हुई थी, उस अनुभूति को पुनः याद करना। कब? दिन भर। कितनी बार? कई बार। कितना समय? एक मिनट, आधा मिनट। कैसे? आंखें बंद करके। डाउन द मेमोरी लेन, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में ऐसे कोई अनुभव नहीं। अगर नहीं है तो भी मुरली तो है, ज्ञान की पॉइंट्स तो है। एक पॉइंट भी यदि याद कर लिया जाए उस समय जब डिस्टर्बेंस है तो बहुत राहत मिलेगी। पर ज़्यादा हमें जैसे कहा याद क्या है, जब दुखी थे, जब उदास थे, जब निराश थे, वही स्मृतियाँ छाई रहती है चित्त पर। ध्यान भाव को याद करना है, ध्यान स्थितियों में जो अनुभूतियाँ हुई उन अनुभूतियों को याद करना है। अगर ऐसा कुछ नहीं याद आता तो कम से कम जो मुरली सुबह पढ़ी थी, और पढ़ते समय याद कुछ नहीं है परंतु पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते उस हॉल में बैठे बैठे ही अचानक कोई शुद्धता, शुद्धतम विचार छू कर चला गया, ठहरा नहीं, बस आया और छू कर चला गया, उसको याद करो। क्या था वो? आज की मुरली, बहुत सारी बातें हैं, कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बातें और धारणा की बातें हम लेंगे। सबसे पहली बात सर, क्लीनलीनेस। फर्स्ट पॉइंट, क्लीनलीनेस। बाप के समीप कौन है, बाप के दिल तख्त नशीन कौन है, बाप को प्रिय कौन है, जो साफ है, जो सच्चे है। होली हैप्पी हंस। बाकी ज्ञान कितना है वो अलग बात, पर भगवान को पसंद कौन है, जो साफ है, जो सच्चे दिल वाले हैं, सच्चे दिल। क्लीनलीनेस ऑफ द हार्ट, जहाँ है वो उसे बहुत प्रिय है। ये पहली बात। दूसरी, सरलता। संकल्प में, बोल में, कर्म में, दृष्टि में, वृत्ति में, सब बातों में सरल। सरल अर्थात छल कपट नहीं,
सरल अर्थात झूठ नहीं, सरल अर्थात चीटिंग नहीं, सरल अर्थात छिपाना नहीं, सरल अर्थात पारदर्शी, सरल अर्थात ट्रांसपेरेंट, सरल अर्थात अंदर बाहर सेम, दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, मन में, बाबा ने गिनाए ना, सब में सेम, सब में समान, वो है सरल। सरल जो है वो उसे प्रिय है। थर्ड पॉइंट, माला नहीं बन रही है उसका एक विशेषता की कमी, और वो विशेषता है बैलेंस। किस बात का बैलेंस? निर्माण और निर्माण का बैलेंस। निर्माण तो बहुत कर लिया, परंतु निर्माण करते करते, सेवाएं करते करते तीन बार दोहराया गया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने यह किया। मुरली में कितनी बार आया है वो, मैंने यह किया, मैंने यह किया, मैंने यह किया, तीन बार है। सेवाएं बढ़ रही है, परंतु साथ साथ अहंकार भी बढ़ रहा है। तो क्या कहा? निर्माण चित्त मिलनसार, उसी के साथ नया शब्द जोड़ दिया, निर्माण अर्थात मिलनसार। तो बैलेंस किसका? निर्माण तो कर रहे, कंस्ट्रक्शन कर रहे, स्थापना कर रहे, नवनिर्माण कर रहे, रचना कर रहे, परंतु उस रचना करते करते मैंने रचना की, मैंने निर्माण किया, मैंने यह किया, मैंने यह किया, मैंने यह किया, यह अहंकार छाया रहता है। इसी मुरली में एक जगह बाबा ने कहा, अभिमान और अपमान के दाग, पुराने संस्कार, अभिमान और अपमान के दाग, अभिमान और अपमान के महसूसता के दाग। यह है कंडीशन, यह है होमवर्क, ये करोगे इससे मुक्त होंगे तो बाबा अगली बार आएंगे। कब कहा है? 2000। तो थर्ड पॉइंट बैलेंस, मिलनसार, और इसी मिलनसार के साथ और एक चीज जोड़ दी है, तुम्हारा संपर्क किसके साथ होता है? ब्राह्मण आत्माओं के साथ, उनको खुश करना, उनकी दुआएं लेना, हर एक की दुआएं लेने हैं, बाप दादा की दुआएं, छोटों की दुआएं, बड़ों की दुआएं, तो इमर्ज होगा कौन सा भाव? रहम का भाव, दाता का भाव। अगेंस्ट के साथ एडजस्ट होना, ये है बैलेंस। बैलेंस की परिभाषा क्या है? अगेंस्ट के साथ एडजस्ट होना, ब्राह्मण आत्माओं के साथ एडजस्ट होना, ये है बैलेंस। उनकी दुआएं लेना, ये है बैलेंस। उनकी दुआएं लेना, ये है निर्माण और निर्माण। इसी मुरली में एक जगह और कहा है, निर्माण चित्त निस्वार्थ और निरंकारी। तो काम किस पर करना है? अपने मैं पर सोचना है, ये मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर पा रहा हूँ, क्या मेरी अपनी शक्ति है? ज़रूर ऊपर से कोई शक्ति है जो प्रेरित कर रही है, स्फूर्णा दे रही है, प्रेरणा दे रही है, करवा रही है। अगर वो शक्ति, अगर वो पावर हट जाए तो मेरी सारी विशेषताएं दुर्गुण में रूपांतरित हो जाएंगी। ये उसकी कृपा है, इसलिए ही कर पा रहे। ब्राह्मण आत्माओं का संग मिलना, महान आत्माओं का संग मिलना, ये भी भक्ति मार्ग में क्या कहा गया है? जब संतों का संग हो जाए तो समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा हो गई, और हमें निरंतर संग है, इसका अर्थ निरंतर कृपा बरस रही है। और जिस दिन इस परिवार से ही वैराग आ जाए और लगे कि ये लोग ठीक नहीं है,
दूर जाना चाहिए कहीं। ये वही है जो संसार वाले हैं, समझना भगवान की कृपा हट रही है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि की कृपा है। प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि इस समय मधुबन में है, यही प्रमाण है। और कौन सा प्रमाण चाहिए? संसार का जो सर्वोत्तम स्थान है, परमात्मा उत्तरण भूमि जो है, वहां उपस्थित है इस समय, वहां उस घर में सेवा कर रहे हैं। और किसकी सेवा कर रहे हैं? जो संसार की सर्वोत्तम महानतम हाईएस्ट रिचेस्ट होलीएस्ट आत्माएं, उनकी सेवाएं, उनकी दुआएं, जूनियर्स सीनियर्स और साक्षात बाप दादा की दुआएं प्राप्त है। तो हम भी जहां से चल रहे कांटे ऐसे हैं तो उल्टे हो जाएंगे और ऊपर छत्र छाया चल रही है, सूक्ष्म छत्र छाया। तो बाबा ने क्या, कैसा अहंकार और किसका अहंकार, सोचो। हमें तो आनंद है कि भगवान ने इस सेवा के लिए निमित्त बनाया, ये भाग्य है। किसी और को बना सकता था और हमसे ज्यादा योग्य कितने सारे लोग हैं, जो यही सेवा अगर किसी और को दी जाए तो हो सकता है बहुत अच्छे से करे। हमको तो कुछ आता नहीं था, पता नहीं था, फिर भी उसने यहां टिका के चिपका के रखा है। शायद उसकी विशेष दृष्टि पड़ी है, इसलिए उसका जरूर कोई रिश्तेदार होते हैं ना, कोई बड़े लोगों के, तो उनको पोस्ट दे देते हैं, क्लर्क की या टीचर की, कुछ ना कुछ दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। भगवान हमारा रिश्तेदार है। और जो ऐसे बड़े लोग होते हैं ना, उनसे रिलेशन थोड़े अच्छे रखने पड़ते हैं, कभी भी काम पड़ सकता है। और जब किसी का, किसी मिनिस्टर के साथ रिलेशंस होते हैं, तो अपने दोस्तों को भी कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताना, क्योंकि इस समय भगवान हमारा बाप है। कुछ चाहिए तो बोलो, नौकरी, पैसा, उसको बोल देंगे, काम हो जाएगा। पर उसको थोड़ा खुश भी करना चाहिए। कोई ऑफिसर मानता नहीं है तो कहा जाता है, उसके घर जाओ, उसके पत्नी को कुछ गिफ्ट वगैरह दो, तो काम पूरा हो जाएगा तुरंत। ये उसका परिवार है और ये उसके लोग हैं। कोई माता को पड़ोसिन कहे कि तुम बहुत अच्छी हो, पर तुम्हारा जो बेटा है ना, बहुत शरारती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये जो है माता को पसंद आएगी क्या? वो भगवान तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारा ये जो परिवार है इसमें बहुत गड़बड़ है, तो भगवान क्या कहेगा? भगवान से प्यार अर्थात उसके परिवार से प्यार, भगवान से प्यार अर्थात एक एक ब्राह्मण आत्मा से प्यार, और एक एक ब्राह्मण आत्मा के वैरायटी संस्कार है। जबकि इस ड्रामा का नाम ही क्या है, वैरायटी ड्रामा, तो सब अलग अलग ही होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। सबके स्वभाव, सबके संस्कार, सबकी संस्कृति, जहां से बैकग्राउंड से आए हैं, लाइक्स डिसलाइक्स सब अलग अलग। तो थर्ड पॉइंट क्या है? बैलेंस। ये विशेषता जब होगी तब माला पूरी होगी। चिटचाट, रूरियान, ब्रह्मा, शिव बाबा, और एक शब्द आया है मोनो एक्ट। तो मोनो एक्ट करते हो, वहां एक व्यक्ति दो आत्माओं का रोल करता है, या दो आत्माएं एक शरीर में है। मुरली में कहीं पर भी कुछ भी पॉइंट बीच में आ जाती है, इसलिए
ध्यान से पढ़ना है उसको, कहाँ कैसी जा रही है, वो मेन जो फ्लो था उसको पकड़ के रखना है, क्योंकि बीच बीच में कहाँ यहाँ से वहाँ, हाँ बताओ पांडव बताओ, कन्या बताओ, माता बताओ, तुम उठो, ये उठो। फोर्थ पॉइंट, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट, शक्ति संपन्न बनो, प्राप्ति स्वरूप बनो, पुराने दाग होली कर दो उसकी। और उसी की विधि है स्मरण, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, छोटे छोटे जो अनुभव होते हैं उनको स्मरण करो, नहीं तो जो निगेटिव है, सबके सामने किसी ने अपमान कर दिया, आज भी अगर आंखें बंद करके 10 मिनट उसको याद करो तो वही क्रोध और वही सारी फीलिंग्स इमर्ज हो जाएगी। सारा खेल मर्ज इमर्ज मर्ज इमर्ज मर्ज इमर्ज का है। फिफ्थ पॉइंट, बाप दादा को आप बच्चों की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं है, कौन सी? मेहनत। मुक्ति का विधि की विधि, बाप की दिलाराम की यादों में समा जाओ, दिलाराम तुम्हारे दिल में समा जाए, तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त है, और जब मेहनत मुक्त हो जाएंगे तो माया के तीनों रूपों से मुक्त हो जाएंगे, स्वप्न में भी नहीं आएंगे। कौन से तीन रूप? कौन से? सूक्ष्म, मोटा और रॉयल। मोटे रूप से तो मुक्त हो गए, सूक्ष्म पकड़ में आ रहा है, पर रॉयल पकड़ में नहीं आता है। ये तीन रूप है माया के, इस मुरली में बताए। इन तीनों से मुक्त हो जाओगे और पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त, विधि यादों में खो जाओ, दिल में दिलाराम को समा लो। और जब समाया, हर विचार जो मन में आता है छाप छोड़ कर जाता है, हर भाव जो मन में उठता है छाप छोड़ कर जाता है, शुद्धतम भाव जो अमृत वेला जागते हैं छाप छोड़ कर जाते हैं, परंतु यदि उन्हें याद नहीं किया गया, रिवाइज नहीं किया गया उन भाव को, उस भाव स्थिति को, तो वो खो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और ये भाव बहुत सूक्ष्म है, शुद्ध भाव संजोना है, पकड़ना है। जैसे वो भिखारी वो गंदे सिक्कों को भी छोड़ने को राजी नहीं था, मरने के लिए तैयार था, पर सिक्के नहीं छोड़ूंगा। वैसे हमने किसको पकड़ के रखा है? मन में, बुद्धि में। फिफ्थ पॉइंट, मनसा में भी व्यर्थ को समाप्त करो। इसी से सेवा रुकी हुई है। क्या करो? मन में भी व्यर्थ नहीं, ये बहुत ऊंची अवस्था है। तो कितना मन में ठूस ठूस के ज्ञान को, प्रभु प्रेम को, अनुभव को भरना पड़ेगा, स्नेह को, और कितनी बार रिवाइज करना पड़ेगा दिन भर, क्योंकि अभी उसमें इतना कचरा भरा हुआ है, आसक्तियां भरी है, मोह भरे हुए, पास्ट इवेंट्स जो हुए जीवन में, सारा ट्रॉमेटिक मेमोरीज उसमें है, और उसको हम रिपीट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, उतना ही नहीं दूसरों को सुनाते भी रहते कि इसने मेरे साथ ये किया, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, कितनी बार रिपीट करते हैं। तो वो मेडिसिन में कहते हैं, न्यूरोलॉजी में, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मेंटल ट्रैक्स क्रिएट होते हैं, नए नए पगडंडियाँ तैयार होती है। एक बार कोई चल जाए तो पगडंडी थोड़ी बनती है, पर बार बार उसी रास्ते से चलने लगे तो क्या हो जाता है? एक रास्ता तैयार हो जाता है। और फिर अगली बार जब जंगल में जाओगे तो रास्ता है अपने आप उधर, अपने आप अकेले बेड पर गए
कि वही बात याद आती है, वही विकार याद आता है, वही दुख याद आता है, वही पीड़ा, वही इंसल्ट, वही अपमान, वही इवेंट, वही धोखा, वही आंसू, वही पीड़ा, वही संताप, वही पश्चाताप, वही पाप, वही विकर्म, वही क्राइम, क्योंकि आदत पड़ गई है। अब नई आदत डालनी है, और नई आदत कौन सी है? अनुभवों को याद करना। अगला एडवांस पार्टी की बातें यहां आई है। जिन दादियों ने शरीर छोड़ा, जो गए किसी और शरीर में है, जो वरिष्ठ भाई बहनों ने शरीर छोड़ा जो और शरीरों में है, उसके राज इस मुरली में बाबा ने बताए हैं। वो इस समय कहाँ है? एक तो ऐसे घर में है जो घर संपन्न है, सारी सुख सुविधाएं हैं, मर्यादा में चल रहे, ज्ञान की शक्ति है, परमात्मा लगन है, परंतु ज्ञान इमर्ज नहीं है, चेहरे से हर्षित है, प्रफुल्लित है, सब प्राप्त भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है, पर यहां का कुछ भी याद नहीं है। स्थूल साधन भी सब कुछ है, पर यहां का कुछ भी याद नहीं है उनको। और वो हमसे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जल्दी करो, इतना नहीं, दो तीन लाइन है, दो तीन शब्द है, क्या कह रहे हैं? सब सृष्टि के नवनिर्माण से पहले भी दो शब्द है। दिव्य जन्म का क्या, क्या करो, क्या कह रहे हैं? अपनी स्मृति को पुकारो, ये कितना अच्छा शब्द है। क्या करना है? दिन भर में स्मृति को पुकारो तो स्मृति जागेगी। अवेकनिंग ऑफ रिमेम्बरेंस, फिर से उसी पॉइंट पर आ रहे हैं। एडवांस पार्टी की आत्माएं हमसे क्या कह रही है? कौन बताएगा? पूरा बताओ, तीन बातें हैं उसमें, एक ही लाइन में, थ्री पार्ट्स, टुकड़े टुकड़े करके, संधि विच्छेद, कट द केक, कौन सी बातें हैं? संपूर्ण बन, पहली पॉइंट, दिव्य जन्म लो और क्या करो? नई सृष्टि के निमित्त, रचना के निमित्त बनो। क्या क्या कहा है? संपूर्ण बनो, दिव्य जन्म लो फिर, और फिर नई सृष्टि के निर्माण के निमित्त बनो। ये कौन कह रहा है? एडवांस पार्टी की आत्माएं हमसे कह रही है। तो वो सब है इस समय, और उनको और एक बात कही है, बड़ी सूक्ष्म। उनको ये आभास है कि हम पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म पुनर्जन्म में महान रहे थे, रहेंगे। क्या कहा? उनको स्मरण है, उन दादियों को जो अभी किसी और शरीरों में है, कि हम पूर्व जन्म में बहुत महान थे और महान रहेंगे। ये सारी स्मृतियां है, पर ज्ञान इमर्ज नहीं है। ज्ञान की शक्ति है, परमात्मा लगन है, पवित्रता है, दिव्यता है, सब कुछ है, पर वो बस मर्ज नहीं है। दादी प्रकाशमणि के लिए बाबा ने क्या कहा था? कहाँ जन्म लिया है दादी ने? ऐसे घर में जहाँ माँ बाप पानी भी भगवान को याद करके पीते हैं। कहाँ है ना, सबको पता है, भोग संदेश,
कहाँ जन्म लिया है? ऐसे परिवार में जहाँ मात पिता पानी भी भगवान को याद करके पीते, श्रेष्ठतम घर में जन्म लिया है, संपन्न घर में जन्म लिया है। और इस मुरली में बाबा ने एक बहुत ही अद्भुत बात कही है, इस जन्म की स्मृतियों को जगाया, किनमें? उन आत्माओं में। कहां? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में कुछ भी हो सकता है, सारा खेल मर्ज इमर्ज का ही है, मर्ज करो इमर्ज करो, मर्ज करो इमर्ज करो। अगर अभी के अभी सारी इस जीवन की स्मृतियां खत्म हो जाए और सतयुग की स्मृतियां जाग जाए तो सतयुग यही हो गया, अभी के अभी मर्ज इमर्ज, मर्ज इमर्ज, मर्ज इमर्ज, मर्ज इमर्ज का खेल है। ये कर दिया, फिर वतन में होली मनाई। 5 steps। Step number 1, वो सारे आपस में मिले चिट चैट, क्योंकि यहाँ की स्मृतियाँ इमर्ज कर दी बाबा ने। अभी है उस शरीर में, किसी और शरीर में कोई छोटा बच्चा है, बच्ची है, अलग अलग जगह पर, और न्यारे है। ये भी एक पॉइंट कहिए, उनकी विशेषता में क्या है? वो न्यारे है, वो हर्षित है, वो पवित्र है, वो दिव्य है। अपने पार्ट से खुश है। उन सब को यहाँ इमर्ज किया और उनकी वहां की स्मृतियों को हटा दिया और यहाँ की इमर्ज हो गई, तो क्या हुआ? स्पिरिचुअल चिटचैट। क्या कहने लगी? बाबा बाबा बाबा, बाबा ने ये किया था, बाबा ने वो दिया था, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरी बात, रास करने लगे। तीसरी बात, डायमंड शावर, चूरा। किसका चूरा? खाने वाला नहीं, डायमंड का, रंग बिरंगी डायमंड। क्या हो रहा है उनके ऊपर? चौथा भोग, पांचवा बधाई और विदाई। ये थी वतन की होली। किसकी? एडवांस पार्टी की, आत्माओं की। पहला स्पिरिचुअल चिटचैट, अब इसको भूल जाओ और प्रैक्टिकल में इसको लाओ। अमृत वेला, स्पिरिचुअल चिटचैट, और वो दिन भर भी होती रहे आपस में। सेकंड, रास। क्या करने लगे सभी? रास। दीदी चंद्रमणि, दादी मम्मा, कल मम्मा डे, सब आपस में क्या करने लगे? रास करने लगे। स्पिरिचुअल डांस, स्पिरिचुअल चिटचैट, स्पिरिचुअल डांस, स्पिरिचुअल डायमंड शावर। ऊपर से क्या हो रहा है? शावर। और इसी मुरली में एक ड्रिल भी बताई है जिसमें ये बात है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में भोग, जो भी हम शरीर में डाले वो भोग लगाया हुआ हो। अपने लौकिक घरों में कितनी माता है जो रोज भोग लगाती है? सच्चा सच्चा हाथ उठाना, झूठा झूठा नहीं। 24 घंटे में जो घर गृहस्थ में रहते, एक बार भोग अवश्य लगाना है, समर्पण कर देना है भोग। अगला नेक्स्ट पॉइंट, बधाई और विदाई। ये है होली, अलौकिक होली। होली अर्थात मनाना, अर्थात बनना। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रिल। नेक्स्ट क्या सुनाया? ड्रिल। एक सेकंड में क्या बन जाओ? फरिश्ता, Step number 1। और ऊपर से मुझ में क्या गिर रहा है? डायमंड्स, डायमंड शावर हो रहा है। कौन से रंग के? अलग अलग रंग के, ज्ञान के, गुण के, शक्तियों के रंग मुझ में, मुझ मेरे ऊपर शावर हो रही। और मैं कौन हूँ? फरिश्ता, प्रकाश मई काया।
लाइट का शरीर। तो ये है बहुत पावरफुल ड्रिल, और इसको कब करना है, दिन भर चल रहा हूं ऊपर से शावर, किसकी, डायमंड, एक तो परमधाम से शावर, दूसरा सूक्ष्म वतन से बाप दादा से शावर, तीसरा भगवान ने यहां ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे नहीं ताकि शावर हो रही है, और दिन भर में शावर, कोई गालियां दे रहा है तो गालियां नहीं है, क्या है वो, वर्षा हो रही है, किसकी, हीरो की, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, वो कह रहा है तुम संपन्न बनो। संसार की हर घटना को देखते हुए उस घटना को ज्ञान से जोड़ना है। झाड़ को देखो तो सृष्टि चक्र याद करो, जो जो दिखाई दे रहा है इस संसार में सोचो ज्ञान से रिलेटेड क्या है, कैसे जोड़े, फूलों को देखो, बाबा पूछते जाओ इनमें से तुम कौन सा फूल हो, ड्रिल। तो सभी स्थिर एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए, और सोचो मैं फरिश्ता हूँ आंखें बंद, और मुझ पर डायमंड की वर्षा हो रही है, रंग बिरंगी डायमंड है, ज्ञान के गुणों के रंग है। भीग रहा हूँ, सारे दाग मिट रहे हैं, स्वच्छ हो रहा हूं, साफ और स्वच्छ दिल। और इसी मुरली में फिर बाबा ने वरदान में और एक बात कही है, मधुरता ही क्या है, महानता, संकल्प में मधुरता, बोल में मधुरता, कर्म में मधुरता, सब में मधुरता, यही महानता है। तो पॉइंट नंबर वन आज की मुरली का, क्लीनलीनेस, साफ सच्ची दिल। पॉइंट नंबर टू, सरलता, छल कपट नहीं, चीटिंग नहीं, करप्शन नहीं। पॉइंट नंबर थ्री, बैलेंस, निमित्त और निर्माण, और निर्माण का बैलेंस, और उसी में कहा रहम दिल, उसी में कहा देने वाले, उसी ने कहा दाता, उसी ने कहा, उसी में कहा एडजस्ट, किसके साथ, अगेंस्ट से एडजस्ट करना, उनकी दुआएं लेना, और दातापन का कर्तव्य इसके सिवा नहीं होगा। एक व्यक्ति शिव भक्त था, बहुत गरीब था, शिव से मांगने लगा पैसा पैसा पैसा, कुछ तो दो, कुछ तो करो, कभी तो सुना करो। शिव जी प्रकट हुए, जाओ गांव के बाहर सन्यासी है, उसके पास हीरा है, उससे मांग लेना, वो दे देगा। सुबह का इंतजार नहीं था, भाग कर गया और देखा वास्तव में एक सन्यासी आ रहा है, विश्वास हो गया कि ड्रीम वॉज करेक्ट। सन्यासी बैठने ही लगा तो कहा कि मैं आपके पास आया हूं, क्या आपके पास कोई हीरा है। सन्यासी ने कहा अच्छा वो हीरा, अपनी झोली से एक बड़ा हीरा निकाला, ये लो। उसने कहा मुझे दे दो, और वह ऐसा खुश हो गया कि धन्यवाद करना भी भूल गया हीरा देखकर, और लेकर सीधा घर सोचने लगा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये करूंगा वो करूंगा, इतने बड़ा, इतना बड़ा हीरा, इस संसार में इतना बड़ा हीरा नहीं है। सुबह उठा पर अचानक एक नया विचार आया, वापस उस सन्यासी के पास गया और कहने लगा आपने मुझे इतना बड़ा हीरा दे दिया विदाउट एनी हेजिटेशन, जरूर आपके पास इससे भी बड़ी कोई प्रॉपर्टी होगी, वो अब मुझे चाहिए, गिव मी दैट नाउ, वो क्या है, मुझे वो चाहिए, वो कौन सा भाव है, कौन सी मनोदशा है, कौन सी मनस्थिति है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो मुझे दो। देना था। नेक्स्ट पॉइंट, पास्ट इज पास्ट,
यही होली है, यही मनाना है, सारे दाग पुराने संस्कार धब्बे सब भूल जाओ। अब उसको उसको बार बार याद करोगे तो वो रिविजन होगा, वो प्रगाढ़ होंगे। उसको याद नहीं करना है, बातें हुई खत्म, ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट हो गया, जो आते हैं उसको सुनाते रहते हैं, एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट हो गया। कितनी बार रिपीट करते हैं हॉस्पिटल में, जो भी मिलने आता है, अरे कैसे हुआ, वो इधर से आ रहा था, मैं इधर से आ रहा था, उसने यहाँ ठोक दिया, गलती उसकी है, वो गया, दूसरा आया, अरे कैसे हुआ, वो इधर से उसने ठोक दिया, गलती उसकी है, वो दूसरा गया, फिर कोई दूसरे का फोन आया, अरे कैसे हुआ, हमने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, हाँ मैं इधर से जा रहा था उधर से जा रहा था एक्सीडेंट हो गया, रिपीट 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 कैसेट, इधर क्या हो रहा है, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। घटनाएं हुई चली गई, फुल स्टॉप, आगे बढ़ जाओ, नो वर्णन नो शेयरिंग। अपने आप जिसको कोई टच नहीं, वो धीरे धीरे दब जाता है। वो व्हाट्सएप का कोई मैसेज होता है ना, एक साल से कोई मैसेज नहीं आया उस नंबर से, वो नंबर कहाँ चला जाता है, नीचे, और अचानक आ गया तो सबसे ऊपर। तो उस स्मृति को याद ही नहीं, ब्लॉक लिस्ट, नीचे ही पड़ा रहने दो उसको। बहुत दुखद घटना है, आप क्यों याद कर रहे हो, क्यों खुरेद रहे हो, यहाँ पे चोट लग गई, डॉक्टर ने पट्टी लगाई, घर पे जाके देख रहे कितना ठीक हुआ, फिर लगाया, अरे नहीं हुआ, दो घंटे के बाद हुआ कि नहीं, खोल क्यों रहे उसको, वैसे ही छोड़ दो उसको, तब हील होगा वो। टाइम इज द बेस्ट हीलर, समय समझाएगा। हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता है, समय उत्तर है, वो उत्तर देगा एक दिन, इसलिए पूछते मत बैठो बस। नेक्स्ट पॉइंट, मेहनत मुक्त, और जो मेहनत मुक्त है वो जीवन मुक्त है, और मेहनत मुक्त की विधि क्या है, याद में समा जाओ, खो जाओ, वो तुम में हम उसमें। नेक्स्ट, मनसा भी व्यर्थ से मुक्त हो। नेक्स्ट, एडवांस पार्टी की होली, स्पिरिचुअल चिटचैट, स्पिरिचुअल डांस, स्पिरिचुअल डायमंड शावर, स्पिरिचुअल भोग, और उसके बाद में बधाई विधाई, और उसके बाद में एक ड्रिल। कौन सी ड्रिल, मैं फरिश्ता हूँ, एक सेकंड में फरिश्ता बन जाओ, और देखो कि ऊपर से क्या हो रहा है, कलर देखो, अलग अलग कलर्स, लाल है, पीला है, नीला है, विजुलाइज कलर्स, सी द डायमंड्स फॉलिंग, और मुझ में गिर रहे हैं, मैं फरिश्ता हूँ, ऐसे। स्लोगन क्या है, डबल लाइट आत्माओं को, ऐसे फरिश्ता आत्माओं को, ऐसे मेहनत से मुक्त आत्माओं को, जीवन मुक्त आत्माओं को, ऐसे महान आत्माओं को, निस्वार्थ आत्माओं को, निरंकारी आत्माओं को, निर्माण आत्माओं को, निर्माण चित्त आत्माओं को, होली हैप्पी हंस आत्माओं को, ऐसे साफ दिल वाली आत्माओं को, सरल आत्माओं को, सरलता किस किस में, संकल्प बोल कर्म में, मधुर आत्माओं को, ऐसे मिलनसार आत्माओं को, ऐसे ऐसे रहम दिल आत्माओं को, दाता स्वरूप का भाव विमर्श करने वाली आत्माओं को, ऐसे बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे अगेंस्ट के साथ एडजस्ट होने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे हाँ बीती को बीती करने वाली आत्माओं को, होली मनाना अर्थात होली बनने वाली आत्माओं को, ऐसे कौन से दाग पुराने संस्कार और अपमान और अभिमान की महसूसता के दाग को मिटाने वाली आत्माओं को, ऐसे मेहनत मुक्त तो हो गया, ऐसे बाप के दिल में समाने वाली आत्माओं को, बाप को अपने दिल में समाने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे हाँ स्पिरिचुअल चिटचैट करने वाली आत्माओं को, रोज भोग लगाने वाली आत्माओं को, और फरिश्ता बनने वाली आत्माओं को, ऐसे एडजस्ट होने वाली आत्माओं को, एक जगह ये भी कहा ये एडजस्ट करना है तुम्हें आत्माओं के साथ, ऐसे ऐसे
संपूर्ण वन दिव्य जन्म लेकर नई सृष्टि का नवनिर्माण करने वाली आत्माओं को, ऐसे 108 की माला में आने वाली आत्माओं को, एक से माला अधूरी है, पूरी है, बहुत बड़ी चिटचाट है, रूरियान है, ऐसी डांस करने वाली आत्माओं को, मौज में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे रास करने वाली आत्माओं को, स्मृति को पुकारने वाली आत्माओं को, ये मुरली में नहीं है, तो स्मृति को पुकारने वाली आत्माओं को, मोनो एक्टिंग तो वो बोला है, पर और ये भी कहा, एक बाबा के पास वो भी है, एक्सरे भी है, एक मशीन है, मशीनरी, उसमें दिखता है उसको सब कुछ। तो ऐसे बाप की भावों में समाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।